रहा क्या हुआ? ओह, मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द हो रहा। पेट में कि पीठ में? पेट में, पेट में। देव, तुम बहाने मत बनाओ और साफ साफ मुझे बताओ तुम मेरे साथ आउटडोर चल रहे हो कि नहीं। डार्लिंग, मैं चल तो पड़ूं, लेकिन अगर मैंने रास्ते में मतलब प्लेन में कुछ कर दिया तो। देव, तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा, वैसे तुम कितने दिन के लिए जा रही हो? 8-10 दिन के लिए। क्यों? देव, देव, मेरे पीछे तुम घर का ख्याल रखोगे ना? किसी को घर में अंदर नहीं आने देना। बिल्कुल नहीं। पड़ोसियों को भी नहीं? बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हें बाहर गेट तक छोड़ दूं। गेट? अब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं हो रहा? हो रहा। रहने दो, मैं खुद चली जाती हूँ। बाय। गई। मिस्टर आजाद। कौन है? आओ क्या? कुकी? क्या है? कुकी, ये प्रेमा जी कहीं बाहर गई है, सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता। और तुम कहाँ सुबह से बाहर गए हो? ओहो कुकी, मन की आंखों से देखना सीखो, मन की आंखों से देखना सीखो। ये मन की आंखों से देखना बंद करो, चश्मे का नंबर तभी तो बढ़ता जा रहा है। पिछले महीने में 2 बार चेंज हुआ है। ठीक है ठीक है, आ जाओ, बैग लेने जाना है। गुड मॉर्निंग कुकी जी। गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह यहाँ? बस ऐसे ही बैठी पीने आ गया। क्यों, आपने नहीं बनाई? नहीं, डॉल यहाँ पर नहीं है ना, 10 दिन के लिए आउटडोर गई है। अच्छा, तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, झाड़ू, कटका, बर्तन, कपड़े, सब कुछ। लेकिन अब मैं कोई काम नहीं करूँगा। हाँ, अरे काम तू क्या, तेरा बाप भी करेगा। आप नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? आजकल अच्छी नौकरानियाँ मिलती ही कहाँ हैं। हाँ, ये भी सच है, लेकिन आप फिकर मत कीजिएगा, मैं केशु से कह के आपको अच्छी नौकरानी दिलवाऊंगी। क्यों, उन्होंने आजकल ये धंधा शुरू कर दिया? धंधा खोला तो नहीं, लेकिन दिलरुबा के बच्चे तेरे लिए खोलूंगा जरूर। केशु, केशु वो घर पे है क्या? हाँ। मैं चलता हूँ। अरे आपने चाय तो पी नहीं? नहीं, वो दूध पे गैस रख के, गैस पे दूध रख के आया हूँ। कुकी। केशु, केशु सुनो ना, दिलरुबा जी के लिए। हाँ, उनको नौकरानी चाहिए, मैंने मन के कानों से सब सुन लिया है, मिल जाएगी अच्छी खासी नौकरानी, मिल जाएगी। चलो मैं जा रहा हूँ। हाँ। एक गोखले। हाँ। मैंने सुना है तेरे बहुत सारी नौकरानियों के साथ कॉन्टेक्ट है। क्यों, मैंने क्या दुकान खोल कर रखी है क्या? अरे नहीं भाई, तू झोपड़पट्टी में रहता है इसलिए पूछ रहा हूँ। झोपड़पट्टी में? अरे नहीं बाबा, तो जिस सोसाइटी में रहता है उसके आसपास झोपड़पट्टी है ना? हाँ, वो तो है। तो फिर तो तुझे बहुत सारी नौकरानियों को जानना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, कल से तुम्हारे लिए ये भी कोशिश करूंगा। देख गोखले, इन शॉर्ट मुझे एक अच्छी खासी नौकरानी चाहिए। क्यों, कोकी भाभी महके गई है क्या? अरे नहीं गोखले, नहीं, उस दिलरुबा के बच्चे की बीवी बाहर गई है। एक मिनट, उसको बच्चा कब हुआ? गोखले, उस दिलरुबा की बीवी बाहर गई है। दिलरुबा, बीवी, बच्चा? गोखले मेरे दोस्त, जरा समझ। इन शॉर्ट मुझे दिलरुबा के लिए एक नौकरानी चाहिए। अरे फिर साफ साफ बोल दो ना कि दिलरुबा को फंसा है। कोई बैड हिस्ट्री और अच्छी ज्योग्राफी वाली नौकरानी चाहिए। अब जाके तू समझा गोखले। ठीक है, ऑर्डर दे दो, मिल जाएगी। ओके, लिख के दे दू? नहीं, वो मैं अपने। आ, फिर तेरी पसंद की किसी को भी भेज देना। ओके ओके ओके, दिलरुबा के बच्चे, अब तुझे ऐसा मजा चखाऊंगा कि तू 7 जन्म तक याद करेगा। वो गोखले, वो तेरी रंभा अभी तक नहीं आई। अरे सबर करो, रंभा है, आती ही होगी। आ गई। बोलो सेठ, क्या करना है? हाय हाय, क्या बात है गोखले, तेरा नाम क्या है रंभा? फालतू जोक मारने का नहीं सेठ, काम की बात करो। सॉरी सॉरी रंभा जी। अरे रंभा जी बोलेगा तो क्या मैं मर दूं? हमारे में मर्दों का नाम रंभा जी होता है। ओके, ये तो बड़ी काम की चीज है गोखले। काम की बात करो। अरे काम वही जो मैंने तुम्हें सुबह बताया है, 8-10 दिन का काम है बस। बस ठीक है, 1,000 रुपया लगेगा। 8-10 दिन का 1,000 तो हम भी नहीं कमाते। देखो सेठ, मंजूर है तो बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं, मंजूर है मंजूर है। ठीक है, 500 रुपया एडवांस दो। 500 रुपया दे दो, दे दो एडवांस। 500 रुपया दे दो। 200, मेरा राशन का पैसा गया। ये देखो सेठ, काम कल से शुरू हो जाएगा, पर इस सुपारी के बारे में अपने आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो तड़ी पार गुंडा है। लेकिन हमारा काम तो हो जाएगा ना? देखते रह जाओगे। कौन आ मरा?
कौन है? रंबा, रानी हूँ रानी, नौकरानी। तो फिर आओ ना मेरी रानी। हा? मतलब नौकरानी आओ ना। बताओ क्या लोगी, ठंडा या गरम? वैसे तुम्हें ठंडा ही लेना चाहिए क्योंकि गरम तो तुम। लेकिन ये काम तो मेरा है, रसोई घर कहाँ है? नहीं मैं चाय बनाऊंगा। आप? हाँ बड़ी अच्छी बनाता हूँ, बैठो ना मेरा रोज का काम है, बैठो ना। लगता है ये साहब के साथ अपना जमेगा। गर्मा गर्म चाय, आराम से बैठो, कुछ नहीं, बैठो बैठो। शादीशुदा हो? दिखता नहीं क्या? नहीं देख रहा हूँ कि मांग में सिंदूर है, लेकिन मैं समझा खाली स्टाइल के लिए भरा है। पता नहीं चलता ना आजकल की लड़कियाँ इतनी वेल मेंटेन्ड होती हैं कि। अच्छी लग रही हो। तुम्हारे वो कहाँ हैं? चक्की पीसते हैं। चक्की? मतलब अपनी खुद की फ्लोर मिल है? हाँ सरकार ने दी है। सरकार ने उन्हें चक्की दी है, तो तुम्हें ये सब करना पड़ता है। कहाँ रहते हैं वो? जेल में। जेल में चक? अच्छा समझ गया। उनका नाम नहीं सुना आपने? नहीं। ठिबरिया। 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 उनके नाम से सारी दुनिया कांपती है। कांपती होगी, मैं भी तो कांप रहा हूँ। अब मैं जाऊँ? जा रही हो? हाँ, वैसे ना पहले दिन हम लोगों में काम नहीं करते, सिर्फ घर को और घर वालों को आजमाते हैं। वैसे ना आपके हाथों की चाय बहुत अच्छी थी। मैं जाऊं? बाय। नमस्ते। ये रंभा की बच्चे अब तक आए क्यों नहीं? अरे फोन है। हेलो। हेलो देव, मैं तुम्हारी डॉल बोल रही हूँ। हेलो डॉल, डॉल तुमने ऐसे क्यों फोन किया अचानक? कहीं तुम्हारी शूटिंग कैंसिल तो नहीं हो गई? अनफॉर्चुनेटली नो देव, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी मुझे। अच्छा क्यों? यहाँ अच्छी तरह खाना नहीं मिलता दिल। इसने याद करते हो मुझे? नहीं दिल, कल तुम मेरे सपने में आए थे। अच्छा मैं सपने में आया, सो स्वीट। तुम्हारे साथ कोई और थी? किसे मालूम पड़ा? सपने में आया पागल। कहीं तुम मेरे पीछे? क्या बात करती हो डॉल, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? वो तो मुझे मालूम है। क्या? कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है दिल। डोंट वरी, कभी नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा विश्वास। तुम आराम से वहाँ शूटिंग करो, मैं यहाँ पर मैनेज कर लूंगा। यू आर सो स्वीट। बाय बाय। रंभा आ गई, रंभा आ गई, रंभा हो हो हो, संभा हो हो। देखना गोखले, उस दिलरुबा के बच्चे को कैसा नाच नचाता हूँ। दो दिन हो गए रंभा ने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया होगा। हाँ केशव, देखते हैं अब दो दिनों में क्या होगा। लेकिन केशव, उस रंभा का पति खतरनाक गुंडा है। उसने कुछ किया तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। अरे खतरनाक है तो क्या हुआ, है तो जेल में ना, और तू मुझे जानता नहीं है गोखले, तुझे मेरे पावर का अंदाजा नहीं है। मेरा पावर कितना है तू नहीं जानता। आज मैं क्लर्क नहीं होता ना तो मैं भाई होता भाई, समझा क्या? केशव भाई। जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी हो दीवानी तू जिंदाबाद। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी कमर में मोच आ गई। नहीं जी, अगर मैं बैठ गई तो घर का सारा काम कौन करेगा जी? मैं हूँ ना, मैं सब काम कर लेता हूँ। सब काम कर लेते हैं? लेकिन ये तुम क्या कर रही हो? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। देखो ऐसा मत करो, मेरा पीपी बढ़ जाएगा। पीपी क्या होता है जी? तुम कल आना, मैं कल समझाऊंगा। मैं कल आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारी कमर की दर्द क्या हुआ? देखो ना मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है। तुम जाओ 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 कल। अच्छा जाती हूँ। लगता है ये लड़की तो घर साफ करते करते मुझे ही साफ कर देगी। डॉल कहाँ चली गई तुम मुझे छोड़ के? आज मैं जवान हो गई हूँ, गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। ओ मिठू मियाँ आज मैं जवान हो गई हूँ। सुनो जी। जी ओ माय गॉड,
आप इतने उदास उदास क्यों रहते हो जी? उदास उदास और मैं नहीं तो देखो हंस रहा हूँ। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हो जी? बात करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है बात करने में। आज तो मौसम भी कितना डरावना है। क्या मतलब सुहावना है? सच सच खाने में क्या है? बाजरे की रोटी और प्याज। प्याज लगा दो लगा दो लगा दो, बड़ी जोर की भूख लगी है लगा दो। सचमुच की भूख लगी है क्या? बिल्कुल सचमुच की भूख भी कभी झूठ मूठ की लगती है। तो फिर उस कमरे में चलें क्या? चलो चलो। वो देखो कबूतर कबूतर। उड़ गया कबूतर। कोकी जी, क्या हुआ? मेरे बचा लीजिए नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्या हुआ क्या बताइए ना। वो नौकरानी। क्या हुआ उसका? उसकी उसकी नजर ठीक नहीं है। वो मुझे पूरी नजर से देखती है। आपको? और फिर बिल्ली ने चूहे को दबोच लिया। मालूम पड़ा? इसको किसने बताया? दिलरुबा जी वो कहानी पढ़ रहा है बिल्ली और चूहे की। अब शेनी बिल्ली को खा जाएगी। ओ, लेकिन आप चलिए ना मेरी मदद कीजिए वरना मैं डॉल को क्या मुंह दिखाऊंगा। चलिए मेरे साथ। चलिए मैं देखती हूँ वो कैसी नजर से देखती है। चलिए केशु। तुमने दिलरुबा जी के यहाँ कैसे नौकरानी भेजी? क्यों क्या हुआ? एक तो प्रेमा जी बाहर चली गई है, वो बेचारे अकेले है घर में। ऐसे वक्त पड़ोसी होने के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए तो नौकरानी भेजी, बुरे वक्त में पड़ोसी ही तो काम आता है। लेकिन कितना परेशान कर रही थी वो उन्हें, मैंने निकाल दिया उसे। क्या तुमने निकाल दिया? और नहीं तो क्या, बेचारे दिलरुबा जी। अरे लेकिन निकालने की क्या जरूरत थी? तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही है? अरे वो मेरे 500 रुपए। वो 500 रुपए? नहीं कुछ नहीं। केशव साफ साफ बता, तुमने और कोई नया झमेला खड़ा कर दिया है? हाँ 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 ना गोखले गोखले। जानती हो कोकी, गोखले ने ऑफिस में 500 रुपए का फ्रॉड किया है। 500 रुपए का फ्रॉड? हाँ, उसी का तो इन्वेस्टिगेशन करने मुझे जाना है अभी इसी वक्त। तुम्हें? हाँ तो ये रहने दो। अच्छा लेकिन वो बाद में कहाँ खाऊंगा मैं? उठो 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 चलो। ओके ओके जाता हूँ। फेंकता है, जरूर दाल में कुछ काला है। अब कौन आ मरा? तुम? लेकिन तुम तो आज नहीं आने वाली थी ना? लेकिन आ गई। मुझे ना खुशखबरी सुनानी है आपको। खुशखबरी सुनाओ जल्दी और जाओ। मुझे शर्म आती है। अच्छा तो ये शर्माने वाली खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो। अब तुम जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चे की माँ? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या तुम इस काबिल नहीं हो? काबिल तो मैं हूँ, काबिल तो मैं बहुत हूँ, लेकिन मगर कुछ नहीं। तुमने क्या सोचा था कि मुझे फंसा कर मुझसे मुंह फेर लोगे? रंभा नाम है मेरा, सारी कॉलोनी को चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि यही मेरे बच्चे का बाप है। चुप कर मेरी माँ। माँ? मुझे माँ बनाकर माँ कहता है? अरे मेरे बाप। मेरी बात सुन। अरे तू ऐसा क्यों कर रही है? मैं वही कर रही हूँ जो एक दुख चारी को करना चाहिए। चंडाल दिलरुबा। कौन रो रहा है यहाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कुछ देर पहले मैं रो रहा था। दिलरुबा मेरे दोस्त, मैं तेरे दुख को समझ सकता हूँ क्योंकि प्रेमा जी की जुदाई की तड़प को मैं भी भुगत रहा हूँ। भाग ऐसे साला तू। इडियट गोखले, अब तक तो दिलरुबा की भीगी बिल्ली बन चुकी होगी। लेकिन केशव वो रंभा का पति कल रात जेल से छूट गया। अरे छूटने दे, ऐसे टपोरियों से कौन डरता है। अच्छा पहले दिलरुबा से तो निपट लूं, बाद में रंभा के पति को भी सल्टा डालूंगा। ये सब तुम मेरे बारे में बोल रहे थे क्या? अरे कौन है तू? मेरा नाम है ठिबरिया। ठिबरिया? अरे तू ठिबरिया है या चिबरिया, अपन को क्या लेना देना? ठिबरिया, ठिबरिया, रंभा का पति। ठिबरिया, ठिबरिया भाई,
ठिबरिया भाई कैसे हैं भाई? गलती हो गई, माफ करना। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे बीवी को फालतू नाटक में उलझाया, अब वो पेट से है। पेट से मतलब? पेट से अबे वो माँ बनने वाली है। माँ बनने वाली है? जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार दिलरुबा को बना दे। दिलरुबा एक नंबर का चालू और बदमाश आदमी। वो सब कुछ नहीं जानता मैं। मुझे कल शाम तक 20,000 रुपए चाहिए। क्या? वरना चिपका डालूंगा। मिल जाएंगे 20,000, मिल जाएंगे। चिपकाना मत, चिपकाना मत। हाँ, अगर पुलिस में खबर की तो फिर से चिपका डालूंगा। समझ गया, खबर नहीं करेंगे। भाई 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 भाई, आप क्या करें, मेरा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है। आइडिया तुम्हें? आइडिया आते हैं कभी कभी, आइडियाज आते हैं। चल चलो चल। 20,000, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तू कौन है रे? मेरे को ठिबरिया बोलता है। ठिबरिया ठिबरिया ठिबरिया। पापा जी गलती होगी, मुझे माफ कर दो पापा जी। यारे गलती किया तूने। मैंने ये गलती किया कि मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये तेरा गलती है? क्यों नहीं? आ, नहीं नहीं गलती है, कोई बात नहीं। काम कर, 25,000 रोकड़ा ला के दे, सारा मामला सल्टा देता है। पर अभी तो 20 था। टाइम ज्यादा लगाएगा तो पैसा बढ़ जाएगा। इतना पैसा नहीं है मेरे पास। अच्छा नहीं है? रंभा आई गो। आप मत रहो। आई गो आई गो आई विल गो आई डू समथिंग। जी इधर आ जी। देख, ये मामले को पुलिस ने बताया तो तेरा तो ऐसे नहीं खुलता है सर। ये ऐसे खुलता है, तेरा तो। देख रे, ये मामले को पुलिस में बताया तो तेरा तो चिपका डालेगा, बोले तो क्या? जी जी चल जा, जा। क्यों सेट, सौदा तो 20,000 में तय हुआ था ना? ये दाढ़ी कितने में लगी जानती है तू? इसका खर्चा जानती है? सौदा तो 20,000 में हुआ था। लेकिन 25,000 मैं कहाँ से लाके दूँ? मुझे नहीं मालूम, कुछ कीजिए प्लीज। आप मुझे बहुत सताते रहते हैं दिलरुबा जी। रुको। मत किया। ये लीजिए, ये कल के कल लौटाने पड़ेंगे क्योंकि केशु के ऑफिस के हैं। लेकिन ये तो सिर्फ 20 है, आपने 25 का प्रॉमिस किया था। मैंने कब 25 का प्रॉमिस किया था? अरे आपने बोला था ना 25। दीजिए ना, नहीं तो चिपका डालेगा। दिलरुबा जी, ये केशु के तनख्वाह के है, इसके बाद हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं रहेगी। प्लीज इसे वापस कर दीजिए। कोकी जी, डोंट वरी, कल डॉल आ जाएगी, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सच्ची कह रहा हूँ, सब लौटा दूंगा। थैंक यू वेरी मच कोकी जी। कोकी जी, कोकी जी, आपने आपने वक्त पे मेरा साथ दिया है, मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा। अब चाहिए नहीं तो वो चिपका डालेगा। चाहिए भागे। ये दिलरुबा का बच्चा कहीं टोपी लगा के चला तो नहीं गया? अभी तक आया क्यों नहीं? अरे पैसा लाया, ये लो पूरे 20। 20? 25 बोला था रे। ये रहे बाकी 5। अब तो तुम जाओ रंबा बहन। बहन बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीते रहो साले साहब, जीते रहो। जरा इसे बंद करो। बंद मैं करूं? आप टिबरिया है ना? टिबरिया टिबरिया जा रहा हूं मैं। दिलरुबा के बच्चे कसम का, ये कभी किसी और का पका नहीं खाएगा, झाड़ू पोछा नहीं करवाएगा। चूल्हा चक्की झाड़ू पोछा, यही तेरी तकदीर है। ये लीजिए 20,000 रुपए। अरे वाह, तू तो बड़ा काम का आदमी निकला यार। तू मेरे साथ काम करेगा? सोच के बताऊंगा। सुनो जी, इसने हमारे पूरे 5,000 रुपए मार लिए हैं। मार लिए? नहीं नहीं। क्यों, उससे 25,000 रुपए नहीं लिए थे क्या? चिपका डालू क्या? नहीं नहीं, है 5,000 रुपए है, मैं भूल गया था। टिबरिया भाई, ये लीजिए, आप ही के तो है। और ये ले भाई 20 रुपए। क्यों? तुम्हारा कमीशन, टैक्सी से जाना, ऐश करना।
20 रुपए में ऐश। ला 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 है कुकी। मैं आ गया हूँ। बात क्या है केशव, बहुत खुश नजर आ रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कुकी। इसीलिए चने सिंह खा रहे हो? तुम जानती नहीं आज खुशी के मारे मैंने 20 रुपए के चने सिंह ले लिए। लो लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, ऐश करो। दो चने के साथ, दो चने के साथ। केशव तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ आज? ना आज बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? लेकिन अपने दिलरुबा जी है ना, उनको किसी बदमाश ने 25,000 को लूट लिया। उसमें बुरा क्या हुआ, अच्छा ही तो हुआ, वो खुद ही तो एक बदमाश है। नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते केशु, वो कितने भले आदमी है। भले आदमी को कोई लूटता है क्या? मेरी तरफ देखो कि मेरी तरफ देखो, मैं कितना भला हूँ, संत आदमी हूँ, संत। आज तक किसी ने मुझे लूटा? किसी की हिम्मत हुई है लूटने की? हेलो। हाँ केशव, वो जो ऑफिस के 20,000 रुपए तुमको मैंने रखने के लिए दिए थे, वो पार्टी बाहर बैठी है, तुम जल्दी से पैसे लेके आ जाओ। अभी आ जाओ भाई, बहुत जरूरी है, ऑफिस की रेपुटेशन का सवाल है, जल्दी आओ। ओके ओके। वो कल ऑफिस के 20,000 रुपए दिए थे ना, वो लाओ जरा। वो वो मैंने दिलरुबा जी को दे दिए। क्या? हाँ वो दिलरुबा जी को दे दिए।